नमस्कार, मैं हूं साहेब अली और आप देख रहे हैं livecities.in। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी आज जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमला बोला है। हालात तो ऐसे बने कि विपक्ष के विधायक सदन के बाहर सड़क पर बैठ गए धरने पर। उसके बाद जब कार्रवाई स्थगित हो गई तो तेजस्वी यादव बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बातचीत में सरकार पर जमकर निशाना साधा। शराबबंदी समेत बिहार में लॉ ऑर्डर के बिगड़ते हालात पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। बीजेपी के नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता शराब बिकवाने का काम करते हैं। अब तक हम लोगों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और धाराएं ऐसी लगाई जाती हैं जानबूझ करके। जब विपक्ष के लोग हंगामा करते हैं तो आनंद फानंद में ये धाराएं इतनी कमजोर लगाते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ गया कि भैया बिहार सरकार जो है FIR ढंग से नहीं कर पाती है। तो जिस प्रकार से ये राज्य चलाने का काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से राज्य को आगे बढ़ाने के बजाय इन्होंने राज्य का इन्होंने भत्ता बैठाने का काम कर दिया। ए भाई वीरेंद्र, सारा MLA आपका इधर है, थोड़ा आगे हो जाइए ना। चाहे नौजवान रोजगार के लिए या तरह तरह की जो चीजें हैं, सभी सरकार ने मजदूरों की मजदूरी छीन गई, आपका यहाँ पर है लगातार शराबबंदी में घेर लिए प्रकार से जिम्मेदारी जो की जा रही है, जो आपने किया जा रहा है, घूस मांगा जा रहा है, ये सारा घूस जो है इधर आ गया और आ जाइए ना, सब मिले इधर है। और ये पूरी जो है चुनाव की तैयारी की जा रही है। इनके विधायक अगर रंगदारी मांगते हैं तो चुनाव के लिए वो पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टरों से ये सही ढंग से अगर डील नहीं होती है तो रंगदारी कर करके ये लोग पैसा कमाने का काम करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अब देखिएगा घोटाले पे घोटाले, मुजफ्फरपुर की जो ट्रेजरी जो है या दरभंगा की ट्रेजरी, इतना ज़्यादा घोटाला बढ़ गया है। बात करें हम सदन के अंदर की या फिर बाहर की, दोनों ही जगहों पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। 28 तारीख यानी कि बुधवार के दिन तेजस्वी यादव जो कि बाहर बैठे रहे धरने पर, तो राबड़ी देवी विधान परिषद के अंदर धरने पर बैठी रहीं। लगातार हंगामा होता रहा, सरकार पर निशाना साधने का दौर चलता रहा और आज चौथे दिन भी शीतकालीन सत्र के विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए, हम आपको विधानसभा से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले दे रहे हैं। बिहार और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें।